हेलो फ्रेंड, चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध से बनने वाली खुरचन रबड़ी। यहाँ पे देखिए, मैं 4 लीटर दूध ली हूँ आज फिर से। आज मैं ना तो इसका खोआ बनाऊंगी ना पनीर, आज मैं बनाऊंगी खुरचन रबड़ी जो बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया है और दूध पकते जाएगी और किनारे पे कढ़ाई में जो मलाई लगती जाएगी उसे हम दूध में मिक्स करते जाऊंगी। उसे दूध में मिक्स करते जाना है और दूध को गाढ़ा करना है, इसी तरह से रबड़ी बनती है। चलिए, पकना शुरू हो गया है दूध। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया है पकते हुए, बहुत ही मलाई दिख रही है दूध में। और मैं दूध को जो मलाई किनारे जम रही है कढ़ाई में उसे भी मिक्स करती जा रही हूँ दूध में। इसी तरह से दूध को गाढ़ा कर ले रही हूँ। इसी तरह से लगातार चलाना है क्योंकि दूध मेरा ज़्यादा है, इसलिए मैं लगातार चलाते हुए इसे पकाऊंगी, नहीं तो दूध नीचे जल जाएगा या गिर जाएगा। देखिए, इसी तरह से इसको पकाना है लगातार चलाते हुए। यहाँ पे देखिए दूध पकते हुए आधा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनेगी। इसे लगातार मैं चलाती जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। किनारे से मलाई लेते जाना है कढ़ाई के और दूध में मिक्स करते जाना है। यहाँ पे देखिए दूध पकते हुए और गाढ़ा हो गया है और भी स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। रबड़ी बनने लगी है एकदम, थोड़ा ही और पकाना है, इसके बाद रबड़ी तैयार है। यहाँ पे देखिए दूध और गाढ़ा हो गया, एकदम रबड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रबड़ी में लच्छे दिख रहे हैं। यहाँ मैंने चीनी ऐड कर दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है बस। इसके बाद मैं गैस को बंद करूँगी क्योंकि रबड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है लच्छेदार। यहाँ पे देखिए चीनी पानी छोड़ देगी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊँगी। इतना ही लिक्विडी हमें रबड़ी रखना है क्योंकि 2 घंटे के लिए मैं रबड़ी को ठंडा करूँगी और इसके बाद सर्व करूँगी। और यदि हम गाढ़ा भी कर देंगे तो बाद में हमारी रबड़ी जम जाएगी ठंडा करेंगे तो, इसलिए हमें इतना ही लिक्विडी रखना है। और यहीं पे मैं गैस को बंद कर दूँगी और 2 घंटे बाद ठंडा करके सर्व करके आपको दिखाऊँगी। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बन के तैयार हुई है। चलिए, यहाँ पर मैं ऐसे ही दूध को छोड़ दे रहे हैं ढक के, यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से रबड़ी में ठंडी हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। चलिए, मैं यहाँ पे ढक दी हूँ। यहाँ पे मैंने ढक दिया है और ये देखिए 2 घंटे बाद मैं खोल रही हूँ, ढक्कन हटा रही हूँ। यहाँ पे देखिए रबड़ी एकदम ठंडी हो गई है और एकदम लच्छेदार बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बन के तैयार हुई है। इसका कलर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है, देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। देखिए, इसे मैंने सर्व कर लिया है, लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार है, इसे मैंने सर्व कर लिया है और इसे मैं गार्निश कर दूंगी काजू बादाम से। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनके तैयार हुई है, लच्छेदार रबड़ी तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। आप भी ज़रूर इस तरह से प्योर दूध से बनाएं घर में और टेस्ट करें। बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनके तैयार हुई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है,
प्योर दूध से बनाया है। देखिए कितने लच्छेदार बनी है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए वीडियो में। नमस्कार।